सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी की मासिक बैठक मंगलवार को जिला पंचायत हाल सभागार में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री शालिक यादव ने की। बैठक में मुख्य रूप से पार्टी की मजबूती और विस्तार पर चर्चा के साथ आगामी लोकसभा चुनाव में चयनित सीटों पर जीत हासिल करने पर विचार विमर्श किया गया। इस दौरान पार्टी के पदाधिकारियों ने 27% पिछड़ी जाति को आरक्षण दिए जाने तथा प्रदेश में शराब को बंद किए जाने को लेकर आगामी दिनों जिला मुख्यालय पर आंदोलन की रणनीति बनाई गई। इस मौके पर पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता रिंकू राजभर को सर्वसम्मत से जिला उपाध्यक्ष, राजू प्रसाद जायसवाल को जिला कोषाध्यक्ष और डॉक्टर संजय को ब्लॉक अध्यक्ष मनोनीत किया गया है, जिसके बाद पार्टी के पदाधिकारियों ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को माल्यार्पण कर उनका अभिनंदन किया। बैठक के दौरान पार्टी के मंडल प्रमुख अनोखे लाल राजभर, बच्चू लाल राजभर, ब्रह्मदेव प्रजापति, केशव राजभर सहित पार्टी के कई पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पार्टी के जिला अध्यक्ष पवन राजभर ने कहा, आज देखिए ये जिला की मासिक बैठक है, ये हर 5 तारीख को होती है, लेकिन इत्तेफाक से 4 तारीख को हम लोगों की प्रदेश की बैठक हुई लखनऊ में। समय न मिलने के कारण इसको बढ़ा करके 10 तारीख को कर दिया गया और हम यहाँ पूरे जिला की समीक्षा करने आए हैं। हमारा नाम शालिक यादव, राष्ट्रीय संगठन मंत्री। ये जिला हमको गोद मिला है पार्टी की तरफ से, संगठन के हिसाब से आज हम वाच कर रहे हैं कितने हमारे साथी आ जाते हैं। कुछ आए हैं तो ब्लॉक विधानसभा की घोषणा आपके सामने हुई है और हम देख रहे हैं अभी लोग आने वाले हैं। कुछ अभी हमारे साथी ने बताया कि रास्ते में लोग हैं, तो संगठन के दृष्टि से हम लोग यहाँ बैठक कर रहे हैं, जिला की मासिक बैठक है। किन मुद्दों पर आप लोग चर्चा कर रहे हैं? मुद्दा हमारा संगठन है, संगठन बूथ स्तर पर पहुँचाना है। ब्लॉक विधानसभा, जिसे अब यहाँ 19 ब्लॉक है तो ब्लॉक 19 के ब्लॉक अध्यक्ष हो जाए, उनकी कमेटी बन जाए, गाँव स्तर पर हमारा ब्लॉक अध्यक्ष हो जाए, ब्लॉक अध्यक्ष यानी गाँव का अध्यक्ष हो जाए, इसकी तैयारी में हम लोग। पदाधिकारियों का गठन किया गया, पदाधिकारियों का गठन जो हमारे बीच में चौपाल लगा लगा करके जो नेता लोग काम करके आते हैं और ले आए हैं यहाँ तक, उन्हीं में से छाँट करके उनसे पूछ करके उनसे कह करके कि आप भैया पार्टी में आगे बढ़ाने के लिए कितना दिन समय देंगे, तो कोई 10 दिन, कोई 15 दिन, कोई 5 दिन, कोई 8 दिन, जो जैसा समय देने के लिए तैयार रहता है उस हिसाब से उनका चयन करके पार्टी में रख करके पदाधिकारी बनाया जाता है।